जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से करने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम, यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। किधर भी मेरी मम्मी का पता नहीं है, बिना करे देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। 3 साल का मेरा छोटा सा मासूम बच्चा, पता नहीं इसका क्या हाल हो रहा है। पत्नी चली गई हो? मेरे पापा को शुगर है, मम्मी को बैक की प्रॉब्लम है। ऐसी त्रासदी की तो कभी कल्पना भी नहीं की। खुश थे बहुत, कहते थे मैं आके मिलूंगा। जाने नहीं तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे अगर मेरी मम्मी बाहर आएगा तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्या भगवान ही है बस मेरा, तो मैं तो भगवान के मंत्र जो बोलता है कि ये जपले वो जपले, मैं सब कुछ जपले थे। अगर रात को नींद भी आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई आवाज लगा रहा है कि मम्मी आ गई। देंगे तुझे, जाने तुझे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आईबीएन 7 की खास पेशकश इस स्पेशल एजेंडा में मैं हूं ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में, और ये गंगा किनारे है। 2 हफ्ते पहले आज ये गंगा शांत है, बड़े ही शालीन तरीके से बह रही है, लेकिन 2 हफ्ते पहले गंगा मैया का एक रौद्र रूप भी देखने को मिला। जल प्रलय आ गया, हजारों लोग मारे गए हैं। सरकारी आंकड़ा 1000 के करीब है, लेकिन आशंका यह है हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों की तादाद में लोग लापता भी हैं, और यहां पर सैकड़ों लोग मेरे साथ हैं। हजारों निगाहें अब भी टकटकी लगाए अपनों का इंतजार कर रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं ये कुदरत का कहर है, लेकिन ये महज प्राकृतिक आपदा नहीं है। कहीं ना कहीं गंगा मैया का कहर मानवीय गलतियों पर, मानवीय भूल पर भी कहर बनकर बरपा था। लेकिन इस पूरी त्रासदी में अगर हम बड़ी तस्वीर पर नजर डालें तो क्या खाका सामने आता है? खाका यह सामने आता है कि इस देश में आपदा प्रबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। लेकिन भगवान के साथ साथ सरकार की ओर भी न जाने कितनी निगाहें आस लगाए बाट जो रही हैं अपनों की, उनसे मैं बात करूंगा। लेकिन इस मसले पर एजेंडा के 5 अहम सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि जो लोग अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, भटक रहे हैं, ये लोग भटक रहे हैं, इन्हें सही सूचना, सही जानकारी क्यों नहीं दी जाती? दूसरा सवाल, जो लोग बचा भी लिए गए हैं उन तक मुकम्मल मदद क्यों नहीं पहुंच पाती? बचा तो लिए गए लेकिन मदद अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। जो लोग बचा लिए गए हैं उनके अपनों तक उनकी जानकारी क्यों नहीं पहुंच रही है? वो अस्पताल में हैं, एयरपोर्ट पर हैं, बस अड्डे पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, कहां हैं? अपनों को कुछ नहीं पता। चौथा सवाल, सरकार की तैयारियां क्या थी इस आपदा से निपटने के लिए? और सबसे अहम सवाल, जो अपनों की तलाश में ये लोग भटक रहे हैं, इनको लापता लोगों के बारे में सही सही जानकारी, सही तस्वीर क्यों दिखाने में नाकाम है सरकार? और यहां पर
न जाने देश के अलग अलग हिस्सों से कितने लोग बैठे हैं। मैं यहाँ पर एक शख्स हैं, इनसे पूछना चाहूंगा आपके कितने लोग लापता। तीन लोग। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से जी। ये कौन कौन है? एक तो ये छोटा बच्चा, छोटा इनका बच्चा है, ये वाइफ है, हस्बैंड है, मेरे फ्रेंड्स है। ये फ्रेंड्स हैं आप जी? ये तो मेरे फ्रेंड है ये वाले। तो आपको क्या मदद मिली है सरकार की? सरकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही है, ना ही कोई इनका सही जानकारी मिल पा रही है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि धक्के खिलाते रहते हैं कि जोलीगंडा तो जाइए या देहरादून में जाइए, पुलिस लाइन में जाइए, वहाँ पे इनका लिस्ट मिलेगी, लगी हुई है कोई लिस्ट। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर, एक अफसर से दूसरे अफसर, यही चक्कर लग रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, तीन ये शख्स हैं, और इनके साथ क्या कुछ बीती है आप बताइएगा। हमारे साथ के छह लोग मिसिंग हैं। और कौन कौन हैं वो छह लोग? हमारी माता जी हैं, मौसी मौसा जी है, मामा जी है, और दो अंकल आंटी हैं। और जब भी हम कहीं पता करने जाते हैं, एक तो चलिए इनकी एग्जैक्ट जानकारी पता नहीं चल पा रही कि ये मिसिंग है, कहाँ पे है, कैसे हैं, सुरक्षित हैं कि सुरक्षित नहीं है। पर जब किसी प्रशासन के किसी आदमी से पूछता है आदमी, तो बोलता है कि आप यहाँ चले जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाकर देख लो, आप जौलीगंज में जाकर देख लो। तो पर भैया आप क्या कर रहे हो? आप उनसे ये नहीं पूछते हो आप किस लिए हो? मैंने उनसे पूछा आपको यहाँ क्यों भेजा गया है, तो उन्होंने ये बोला कि जब वो सुरक्षित आ जाएंगे तो आप हमें बताइएगा, तो हम उनको उनके घर तक पहुँचा देंगे। वो तो हम कर लेंगे, वो तो काम आप कर सकते हैं, जब वो आ जाएंगे तो आप ले जाएंगे। दे वर्किंग एज अ ट्रेवल एजेंट। अगर हमारे फैमिली मेंबर हमको मिल जाएंगे तो हम उनके पास क्यों जाएंगे? लोग आ रहे हैं बस स्टैंड में, एयरपोर्ट में, हेलीपैड में, बट दे आर इन सेक्रेटरिएट। बोल रहे हैं अगर आपको मिल जाएंगे तो हमारे पास आ जाइएगा, हम आपको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे। वो तो हम चले जाएंगे ना भाई, आपकी जरूरत थोड़ा है। हमारे फैमिली मेंबर इनके भरोसे नहीं है, हम बस इतना चाहते हैं कि हमको उनका लोकेशन चाहिए, वहां पे जो लोग जीवित बचे हुए उनकी लिस्ट चाहिए। बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन की कोई कमी नहीं है, बट यहाँ पे इन्होंने हेल्पलाइन बना रखी रुद्रप्रयाग में, लोग रेस्क्यू करके ला रहे गुप्तकाशी में, और उसके पीछे 40 किलोमीटर का डिफरेंस है। आज लिस्ट जारी होगी, कल लिस्ट जारी होगी, परसों लिस्ट जारी होगी, उनके लिए हमारे लिए टाइम की वैल्यू नहीं है। वहां पे लोग मर रहे हैं, उनसे उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल अपना खाना पूर्ति कर देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ लिस्ट में नाम लिखवा दो, वहाँ लिस्ट में नाम लिखवा दो, आपने FIR किया, यहाँ फोटो जमा करवा दो, बस यही लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ ये चुनावी राजनीति खेल भी हो रहा है, 2014 के चुनावों पर नजर है, तो हर सरकार हर पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है कि सिर्फ कुछ आपको मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही। हम सहस्त्रधारा एयरपोर्ट गए थे, माननीय मंत्री जी अकेले एयरपोर्ट से चले आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग, शासन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। केवल सिक्स सीटर में दो लोग उतर रहे हैं, उनके आप पुलिस वाले उनके सामान लेके ढो रहे हैं, केवल इतना ही काम बचा। शासन आके कोई अपनी मदद यहाँ मतलब कोई मदद की नाम नहीं है। पूछो तो क्या होता है, बोलते हम क्या करें, मिलिट्री लगे, मिलिट्री के अंडर में चला गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया, मिलिट्री जो भी कर रही वो करेगी। हम मिलिट्री वालों से पूछते हैं भाई साहब वहाँ तो मदद किससे मिल रही है? स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, स्थानीय लोग, NGO था परमार्थ निकेतन वालों के, इतना ही बड़ा हमारा आश्रम दिया उन्होंने, हम जाके रात में सोते हैं, बगल में नहाते धोते, फिर दिन में अपने पिताजी माता को खोजने लग जाते हैं, दिन रात बस यही लगा, सुबह वहाँ सोना। केवल जो लोकल अगर किसी की अगर हमको मदद मिली है तो हमारे गुरु जी महाराज जी, बाकी लोग जो NGO लगे हैं, परमार्थ निकेतन है, कृष्णानंद है, और भी जो यहाँ लोकल संस्था, उन्होंने आपके सरकार गायब है। आप अलवर से आए हैं, राजस्थान से, ये कौन कौन लोग हैं? ये मेरे मम्मी पापा हैं और एक अंकल आंटी है, और ये अभी मेरे को यहाँ 14 दिन हो गए सर, अभी तो कोई खैर खबर नहीं है, ना कोई सूचना मिली। मैं आखिरी संपर्क कब हुआ था आपका इन लोगों? 16 तारीख को। उसके बाद दो लोग आ गए और चार लोग अभी वही है, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो रहा। हम दफ्तर के चक्कर काट के थक गए हैं। कोई बोलता है वहाँ जॉनी ग्रांड में जाओ, कोई कहता है हिमालय में देखो, कोई कहता है आप यहाँ मतलब अंधेरे में तीर मारो, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे को एक लिस्ट हम दी कि इस हेल्पलाइन पर बात करिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फिर कोई हेल्पलाइन वाले क्या कहते हैं? हेल्पलाइन तो जवाब, हेल्पलाइन वाले एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर। आप में से किसी लोगों को हेल्पलाइन नंबर से कोई मदद मिली? किसी को नहीं मिली जी। हमें तो यदि मदद मिली है ना, यदि मदद का कहीं नाम हुआ है, फोटो कॉपी का मांगना, सब महाराज से, इनको आशीर्वाद मिला है, और खाने को मतलब हमारे को अन्न क्षेत्र चला रखा है इन्होंने, दवाएं भी दी, डॉक्टर दीदी ने मदद की है और गले लगाया। NGO गैर सरकारी संस्थाएं वो काम करती दिख रही हैं। थोड़ी सी आप मुझे अगर जगह दें और मैं थोड़ा ऊपर भी जाना चाहूंगा जी। आप कहाँ से आए हैं, ये कौन लोग हैं? जी सर, ये हमारी पूरी फैमिली, हम कानपुर यूपी से आए हुए हैं, इसमें मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, दो छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे। ये मेरा बेटा है। ये कितने साल का है? 9 साल का। ये हमारे साथ है, ये कब से, मैं अभी आपके पास आता हूँ, ये कब से? 15 तारीख को हम लोग गौरीकुंड पहुंचे थे और 3 बजे के आसपास चढ़ाई स्टार्ट की थी, लेकिन 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मेरा स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया, मैं वापस नीचे आ गया। उसके बाद से इन लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। बेटी की याद आती है? आती होगी
सर आप ऐसी बात पूछ रहे हैं, मुझे याद नहीं आएगी क्या? बताइए, मेरी माँ माँ की याद नहीं। असहाय महसूस करते हैं, बेटा कहाँ है, पहाड़ों में कहाँ होगा कि मैं लेके आ जाऊँ उसको किसी भी कीमत पर, ऐसा आता है मन में ख्याल। अगर जरा सा भी ऐसा कुछ सपोर्ट मिलता तो मैं तो जाना चाहता हूँ कि मैं पहाड़ों पर जाकर ढूंढूं अपने लोगों को, अगर यहाँ से कुछ भी रिस्पांस मिले, मदद मिले। लेकिन कोई मदद नहीं है सर, आज 7 दिन से देहरादून और हेलीपैड और ऋषिकेश चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ सर। किसी तरह की कोई राहत नाम की चीज नहीं है। राहत नाम की चीज? ये बुजुर्ग कौन है जिनकी आप तस्वीर ली? ये मेरे ताऊ जी हैं, 16 जनवरी से गौरीकुंड से लापता हैं। 16 जून से? नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अभी सबके आपके साथ बैठे हैं, अपनों को खोने का गम हम सिर्फ बांट सकते हैं, हमें ये सवाल पूछने भी पड़ते हैं, मेरा दिल नहीं करता ऐसे सवाल पूछने का, पर जरूरी है, सरकार को जगाना है, सरकार को चेताना है, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं हम। ये कौन है बुजुर्ग, आप कहाँ के रहने वाले? सरकार कभी नहीं जाएगी, चोर निकम्मी सरकार है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। उनके लिए कोई वैल्यू, इनके लिए मानव की कोई वैल्यू नहीं है, इनके मानव जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर सेना काम आती है मुसीबत में, अगर सेना काम आती है तो ये क्या सिर्फ राज करने के लिए है यहाँ पर? जनता को पाकिस्तान में भी सैन्य शासन चल सकता है तो यहाँ पर भी सैन्य शासन चल सकता है। सैनिकों के हवाले कर दो पूरा देश, वो जी जान से लगे हमारे लिए, वहाँ 20 लोगों ने अपनी जान दी है, सरकार का एक आदमी नहीं वहाँ जाने को तैयार है। ऐसे मौसम में वो लोग उतर रहे हैं, हमारे परिवार के कुछ तो कोई तो नहीं बचा है। कौन लोग हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं? ये मेरे नाना जी हैं, नानी जी है, मासी है, मामा है, मामी जी है, ये मेरा 2 साल का भतीजा है, 2 साल उम्र है इसकी, 16 तारीख से लापता है, न कुछ खाया होगा न पिया होगा, क्या किस जगह पर होगा कोई लोकेशन का पता नहीं है। अभी उम्मीद है ये होगा, अभी आपके पास आएगा, आपकी गोदी में फिर खेलेगा। उम्मीद तो सर सभी लोगों की करके आए थे हम यहाँ, लेकिन अब यहाँ की शासन और यहाँ की सरकार को देख के ऐसा लगता है कि अगर हमारे 2 लोग 4 लोग भी मिल जाएंगे तो हमारे मन को तसल्ली होगी कि हमारा कोई अपना वापस मिला है, हमको उसको वापस लेके जा रहे हैं हम यहाँ पहाड़ों के बीच में से। ये पहाड़ जो हमारे पूरे परिवार को निकल गया है, पूरे परिवार को ये पहाड़ निकल गया, अगर ये 2 लोग भी हमको वापस कर देगा तो ये पहाड़ों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, भाई हमने तूने हमारे 2 लोगों। सरकार का कोई शुक्रिया नहीं है इसमें? सरकार को तो साफ ऐसा है, दोष देने से हम ऐसा है, निकम्मी सरकार है, नाकारा सरकार है, आप दोष भी दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहूंगा, ये आप किनको तलाश रहे? मैं कानपुर से आया हूँ, ये मेरे मम्मी पापा हैं, 15 तारीख से इनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और साथ में एक ये छोटा बच्चा है, तो घर पे है ये छोटा बच्चा मेरा है, घर पे रह गया था, ये भी साथ में ला रहे थे, लेकिन हमने कहा आप अकेले जा रहे हैं इसलिए इसको ना ले जाएं। और यहाँ की सरकार जो है ये पूरी तरीके से अगर ये हैं तब तो आ ही जाएंगे, लेकिन वहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में जो लाशें सड़ रही हैं उनके लिए इस सरकार ने अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं किया है। क्या इसका यही फर्ज बनता है कि यहाँ जो अभी तीर्थयात्री आवे वो मरे और उसको ये सड़ने दे? बिल्कुल, जो मरे और अब लोग मर गए, लोग आप जैसे लोग तलाश रहे हैं उन्हें, ऊपर से महामारी का खतरा, लेकिन सरकार न जाने क्यों आंखें मूंदे बैठी है। आप किनको तलाश रहे हैं? ये हमारी फैमिली है, मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और इनके साथ साथ 15 लोग और हैं टोटल। टोटल 15 लोग जो हम 10 दिन से यहाँ पर इन सबका। आप कहाँ के रहने वाले? हम इंदौर के रहने वाले हैं और इसमें साथ में यूपी और कलकत्ता तक के लोग हैं जो साथ में गए थे। यहाँ पर हमने कोई जगह नहीं छोड़ी, मैं खुद गौचल 2 दिन रह के आया, आज हमारे साथ वाले गुप्तकाशी में है, वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की कि हम अपने वालों को ढूंढे, लेकिन उनको प्रशासन ने वापस कर दिया, वहाँ ऊपर नहीं जाने दिया। क्यों क्या कह रहे हैं प्रशासन वाले, क्यों नहीं आगे जाने दे रहे? प्रशासन वाले कि भाई हम खोजना चाहते हैं अपनों को, आप नहीं खोज सकते। हम यही मैसेज देना चाहते हैं और ऊपर जाके ऊपर हमको ये मालूम भी पड़ रहा है कम से उनको ढूंढ कर हमारे पास पहुँचाए, कैसे भी ये मैसेज हमारा उन पर पहुँचा, उनका मैसेज हमारे पास पहुँचा। आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये 3 लोग कौन हैं जिन्हें आप तलाश रहे? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से मेरी मम्मी है, मामी है, मामा है, 8 दिन से हम इधर उधर भटक रहे हैं, कोई खबर नहीं माँ की, मामा की, मामी की, कुछ खबर नहीं। क्या कहते हैं जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं? तकरार लिखो, ऐसे बोल दिया जाता है। अच्छा, गुमशुदगी, पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराओ उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसे ही बोला जाता है खाली। और इंतजाम के नाम पर क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं।
कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है अभी तक जी। ये कुछ बताना चाहते हैं, ये FIR की कॉपी है और इसमें यदि हम देखेंगे लिखा हुआ तो हम खुद नहीं पढ़ सकते इसको, यदि हमें कहीं इस चीज को यूज करना पड़ा तो हम कैसे करेंगे। जब हमने उनको बोला कि FIR में कम से कम क्या लिखा है आपने, दिखे तो सही किसी को, तो बोलते हैं भैया जो हम कर रहे हैं वो कम नहीं है। प्रशासन ने एकमात्र काम किया है कि लोगों की FIR दर्ज की है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं किए। इसे कहते हैं लाल फीता शाही। लोगों की, आम आदमी की आंखें लाल हैं अपनों के इंतजार में, सरकार लाल फीता शाही में व्यस्त है कि नहीं पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराइए, फलाने दफ्तर में जाइए, धिकड़े अधिकारी के पास जाइए, अगर कोई मिल जाता है, जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोग बता रहे थे, कोई मिल जाएगा तो हम घर भिजवा देंगे, बता दो जी मिल गए तो हम घर भिजवा देंगे। ये किस तरह की व्यवस्था है, क्या सब कुछ भगवान भरोसे है? ये चर्चा जारी रहेगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इंसानियत की अगर शक्ल दिख रही है वो आम लोगों के जो कार्यवाही है उसके जरिए हमें दिख रही है, उनसे भी बात कराऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देंगे तुझे